हाय, स्वागत आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी कोर्ड सेट। तो कोर्ड सेट कैसे कटिंग और स्टिचिंग करें, इस टाइप से हमने क्या करना है। अपना फैब्रिक है पहले ले लिया है, मेरा एम्ब्रॉयडरी का जो है फ्रंट पार्ट एम्ब्रॉयडरी में रहेगा और प्लेन रहेगा। तो इस टाइप से ये देखिए गाइस, हमने क्या करना है, इस टाइप से पहले अपना फैब्रिक ले लेना है, उसको इस टाइप से डबल फोल्ड है कर लेना है। ये देखिए आयरन से इसको अच्छे से सेट कर लेना है इस टाइप से सेंटर से। ये देखिए गाइस, इस टाइप से मैंने अच्छे से अपना जो है फैब्रिक को सेट कर लिया है। अब हमने क्या करना, 1.2 पर अपना निशान इस टाइप से लगा करके स्ट्रेट कर लेना है सेंटर से। जो हम सेंटर से फोल्ड करेंगे वो वाला फैब्रिक हम यहाँ पर निकाल देंगे पहले ही इस टाइप से। हमने अपनी लेंथ है जो वो रखनी है, उस हिसाब से हम निशान लगाएंगे। मैंने 27 इंच की लेंथ रखी है अपनी, तो इस टाइप से मैंने 27 पर शोल्डर का निशान लगा लिया है। इसको अंदर की साइड इस साइड से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए अब हमने क्या करना है, 7.5 इंच पर मैं अपना जो है शोल्डर है हमारा वो निशान लगा लूंगी इस टाइप से। अब हम नीचे की साइड अपने जो है 1.5 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। ये देखिए गाइस, इस टाइप से 1.5 इंच पर हमने शोल्डर डाउन अपना करना है। यहाँ पर हम 2.5 इंच अपने नेक की जो विड्थ है वो लगाएंगे और इस टाइप से यहाँ से शोल्डर डाउन करेंगे। ये देखिए गाइस, इस टाइप से शोल्डर डाउन कर देना है और यहाँ पर 2.5 इंच पर अब हमने क्या करना है, नेक की डीप 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे। कॉलर के लिए इस टाइप से स्क्वेयर बना कर लेंगे और इस टाइप से राउंड शेप डाल देंगे। ये हमारी नेक की कटिंग होगी। यहाँ पर आर्म होल के लिए हमने 7 इंच पर निशान लगा लेना है। फिटिंग पर फिर हम आर्म होल से 7.5 इंच पर और यहाँ पर नीचे 15 इंच पर अपना निशान है जो लगा लेंगे। ये देखिए मैंने 4-4 इंच की लूजिंग है जो अपनी इसमें शर्ट में डाल ली है इस टाइप से। ये देखिए मेरी जो है 10 इंच बस्ट है और फिटिंग है मेरी 9 इंच और नीचे मैंने 11.5 इंच पर हमारी इस टाइप से है। तो इसको हम मिला लेंगे, जितना लूजिंग आप डालना चाहें शर्ट के हिसाब से उतना लूज आप डाल सकते हैं। ये देखिएगा जी, इस टाइप से शेप डाल दिए मैंने। बीच से मैं थोड़ा और इसको अपनी शेप दूंगी, मेरी हिप ज़्यादा है इसलिए। ये देखिए गाइस, अब हमने क्या करना है, अपने आर्म होल की शेप डालने के लिए 6.5 इंच पर निशान लगा लेना है और यहाँ से इस टाइप से ऊपर टेढ़ा कर लेंगे और शेप बना देंगे। ये देखिए गाइस, इस टाइप से अब हमने क्या करना है, 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है बैक के आर्म होल के लिए, इस टाइप से शेप डाल देनी है। अब हमने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है 1 से 1.25 इंच पर अपना निशान है लगा लेना है और इस टाइप से हमने नेक से अपनी जो है कटिंग स्टार्ट कर देनी है। इस टाइप से अपने नेक की जो है कटिंग करके शोल्डर पे और आर्म होल की हम पहले बैक के लिए कटिंग करेंगे, बाद में हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। इस टाइप से कटिंग कर लेनी है। ये देखिए गाइस, हमारी जो शर्ट की फ्रंट कटिंग है वो हो चुकी है इस टाइप से। फिर हमने क्या करना है, अपना जो फ्रंट का सेंटर पार्ट होता है उसको कट कर लेंगे इस टाइप से, क्योंकि यहाँ से हमने दोनों साइड फोल्ड करना होता है इसलिए सेंटर से कट कर लेंगे। ये बाद में कटिंग करेंगे हम अपने आर्म होल को। अब हमने क्या करना है, अपना जो है बैक के लिए फैब्रिक ले लेना है और उसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है। विड्थ हमने अपने हिप के अकॉर्डिंग रख लेनी है और फ्रंट वाला पार्ट इस टाइप से ले लेना है। फ्रंट की जो हमारी ये एक्स्ट्रा हमने फोल्ड वाला फैब्रिक लिया हुआ है इसको इस टाइप से फोल्ड कर लेंगे। ये बटन का फोल्ड वाला फैब्रिक है जो इस टाइप से फोल्ड करके ही रखेंगे, क्योंकि बैक में हमारा जो बटन है वो नहीं होते हैं। तो फ्रंट के लिए फोल्ड वाला फैब्रिक है जो हमने उसी टाइप से फोल्ड करके रख लेना है। ये देखिए गाइस, इसी टाइप से हमने क्या करना है, नीचे की साइड हमने 3 से 3.5 इंच अपनी बैक की जो है लेंथ लॉन्ग रखेंगे और शोल्डर को हम बढ़ाएंगे इस टाइप से। 1 से 1.5 इंच तक हम अपना शोल्डर है बढ़ा लेंगे। ये देखिए गाइस, इस टाइप से शोल्डर को बढ़ा लेना है ऊपर की तरफ और स्ट्रेट ऊपर करके बैक की जो नेक की कटिंग है वो हमने 1 इंच पर करनी है। 1 इंच के डीप हमने अपनी जो है नेक की कटिंग करनी है। नीचे की तरफ से हमने शेप डाल देनी है अपनी हिप से। ये देखिए, इस टाइप से शेप डालनी है अपने फ्रंट वाले पार्ट तक। ये देखिए गाइस, इस टाइप से शेप डाल करके हमने साइड से भी अपना ट्रेस कर लेना है।
ये देखिए इस टाइप से ट्रेस कर लेना है पूरा। और हमने फ्रंट पार्ट का पहले हम अपना जो आर्म होल है वो कटिंग कर देंगे, क्योंकि हमने बैक वाला ट्रेस कर लिया है। तो इस टाइप से पहले फ्रंट वाले पार्ट की आर्म होल की कटिंग कर देनी है। अब हमने अपने क्या करना है, फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके साइड रखेंगे और बैक वाले पार्ट की कटिंग कर देंगे जो हमने ट्रेसिंग की है और ऊपर नीचे से बढ़ाया है। इस टाइप से कटिंग हम कर लेंगे अपने बैक वाले पार्ट की। ये देखिए गाइस इस टाइप से। अब हमने क्या करना है, अपने स्लीव्स कटिंग करनी है। तो स्लीव्स का फैब्रिक ले लेना है इस टाइप से। स्लीव्स हमारी कफ वाली होंगी, उसी हिसाब से इस टाइप से हम इसको फोल्ड करेंगे। जैसे हम अपनी सिंपली स्लीव कट करते हैं बाइसेप्स के हिसाब से इसको फोल्ड कर लेना फोर पार्ट में। ये देखिए लेंथ हमारी जो 14 इंच है इसमें, और हमारा जो है कफ लगेगा आगे, तो 16-16.5 इंच की हमारी रेडी होंगी। तो इस टाइप से हमने क्या करना है, ऊपर की साइड 4 इंच पर इस टाइप से निशान लगा लेना है, और 7.5 इंच हमारी बाइसेप्स है, इस टाइप से निशान लगा लेंगे। और फ्रंट में हमारी जो मोहरी है उसका निशान लगा करके इस टाइप से निशान कर लेंगे और शेप डाल देनी है। ये देखिए गाइस इस टाइप से शेप डाल देंगे हम, और नीचे 1-1.5 इंच फैब्रिक ले लेंगे एक्स्ट्रा और आगे से स्ट्रेट करेंगे। ये देखिए गाइस इस टाइप से स्ट्रेट कर लेना इस टाइप से आगे से, और साइड से कटिंग कर लेनी है अपनी पूरी स्लीव्स की। ये देखिए गाइस इस टाइप से हमने अपने जो है स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हमने क्या करना है, अपना कफ का फैब्रिक का जो कटिंग करेंगे इस टाइप से हमने क्या करना है, फोल्ड कर लेना है और अपने कफ से 1 इंच ज़्यादा रखना है इस टाइप से, और इसको इस टाइप से आगे पहले स्ट्रेट करेंगे और 3-3 इंच की विड्थ रखते हुए हमने 8 पीस कट कर लेने हैं अपने। ये देखिए सेंटर में हम कफ का जैसे कट रखेंगे इस टाइप से, ये देखिए सेंटर से इनको कट कर लेना है इस टाइप से। सेंटर से कट करके हमने अपने 8 पीस हैं जो रेडी कर लेने हैं। ये देखिए इस टाइप से मैंने कफ के लिए 8 पीस हैं जो डबल में होता है हमारा कफ, इसलिए 8 पीस हमने कट कर लेने हैं 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए। ये देखिए गाइस इस टाइप से हमारी जो है स्लीव है कटिंग हो गई है। अब हमने क्या करना है, अपनी आगे वाली जो होती है शेप डाल देनी है। इस टाइप से आगे वाली शेप हमने अपनी जो है कट कर देनी है स्लीव्स की। ये देखिए गाइस स्लीव्स हमारी जो है कटिंग हो गई है। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, कॉलर के लिए यूज होगा। अब हमने क्या करना है, अपना जो है लोअर के लिए फैब्रिक को फोल्ड करके रख लेना है इस टाइप से। हमने क्या करना है, पहले ऊपर से स्ट्रेट कर लेंगे इस टाइप से, इस टाइप से ऊपर से स्ट्रेट कर लेना है, और ऊपर पहले 2-2 इंच का हमने निशान है अपना बेल्ट के लिए लगा लेना है जो अंदर फोल्ड होगा। इस टाइप से 2-2 इंच पर निशान लगा लेना, और जो साइड वाला हमारा ये कॉर्नर वाली पट्टी इसको हम निकाल देंगे 1/2 इंच, क्योंकि ये स्टिचिंग में हमारे फैब्रिक को खींचती है। तो इस टाइप से ऊपर की साइड पहले हमने क्या करना है, 2 इंच पर इस टाइप से लाइन लगा लेनी है। अब हमने अपनी जो क्या करना है, पहले थाई वाली निशान के लिए 11 इंच पर अपने आसन का निशान लगाऊंगी इस टाइप से। अब हमने अपनी जो है थाई है मेरी वो 14 इंच है, इसे मैंने 3 इंच लूज डाला है, और यहाँ पर हमने क्या करना है, अपनी ऊपर की साइड हिप वाली डालनी है। तो हिप मेरी 10.5 है, तो मैंने 11 पर निशान लगाया है 3 इंच माइनस करके थाई में से इस टाइप से, और इसको इस टाइप से 3 इंच हमारा गैप रहा। तो इस टाइप से हमने क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंच मैं अब इस साइड से कम कर दूंगी, जिससे हमारी जो ये देखिए 10.5 इंच रेडी रहा ऊपर से, और नीचे से इस टाइप से पूरा हिप शेप डाल देंगे हम। लेंथ हमने अपनी जो है मेरी 38 इंच है, लेंथ पर निशान लगा लेनी है अपने लोअर के इस टाइप से। ये देखिए
यहाँ पर भी दूसरी साइड पे भी रख करके 38 इंच पर निशान है लगा लेनी है। नीचे स्ट्रेट कर लेंगे अपनी लाइन लगा करके इस टाइप से। अब हमने क्या करना है, ये देखिए गाइस, यहाँ से अपनी जो थाई है उसका सेंटर बना लेना है और सेम हमने अपने कॉर्नर से सेंटर बना करके जितने सेम वहाँ इसी टाइप से सेम थाई वाला निशान है अपना नीचे भी लगा लेना है। और बीच से हमने 5 इंच उधर 5 इंच इधर निशान लगा लिया है। मोरी मैंने 10 इंच रखी है। इस टाइप से सेम हमने स्ट्रेट अपना जो है ये चीज़ पे निशान लगा लेना है और नीचे की तरफ उस साइड भी इस टाइप से स्ट्रेट निशान लगा लेंगे। हमारा लोअर स्ट्रेट है तो इस टाइप से मैंने स्ट्रेट निशान लगाया है। अगर आप सेपर से लगाते हैं तो वो सेप वाला हमारा जो है लोअर बनेगा। तो इस टाइप से हमने स्ट्रेट निशान लगा लिया है। ये देखिए गाइस, इस टाइप से कटिंग हमने कर लेनी है अपनी। इस टाइप से हमने अपनी कटिंग है जो कर लेनी है। ये देखिए, यहाँ से इस टाइप से ऊपर स्ट्रेट कट कर देंगे और नीचे से मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी क्योंकि मैं एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक यूज करने वाली हूँ। ये देखिए, इस टाइप से अपनी कटिंग है प्लाजो की। स्ट्रेट लोअर की कटिंग कर लेनी है। ये देखिए गाइस, ऊपर ये हमारा, ये नीचे की साइड से मैंने कहा 1/2 इंच हम रखेंगे और एक्स्ट्रा कट कर देंगे क्योंकि नीचे मैं एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक है जो यूज करूंगी फोल्ड में डिजाइन के लिए। तो इस टाइप से ये देखिए गाइस, इस टाइप से मैंने 1/2 इंच फैब्रिक रखा है। अब हमने क्या करना है, अपने बैक वाले पार्ट के लिए इस टाइप से अपने फैब्रिक को फोल्ड करके अच्छे से रख लेना है और इसी टाइप से फ्रंट वाला पार्ट है अपना रख लेना है लोअर का। ये देखिए, इस टाइप से रख करके इस टाइप से अपना पूरा ऊपर की साइड हमने अपना जो है 2 इंच 1.5 इंच जितना हमारा फैब्रिक ऊपर रखना है एक्स्ट्रा, मैंने 2 इंच के अप्रोक्स रखा है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगा लेंगे जितना हमारा पहले थाई पर बना था। यहाँ पर अभी 2.5 इंच 3 इंच का निशान लगा लेना इस टाइप से और इस टाइप से सेम डाल देनी है। सेम यहाँ पर क्या करना है, हमने इस टाइप से टेढ़ी सेप डालनी है। ऊपर 2 इंच पर निशान लगा रही है, ये मेरा फैब्रिक पूरा होता है। यहाँ से हम टेढ़ा इस टाइप से करेंगे और यहाँ पर हमने क्या करना है, नीचे से 2-2 इंच पर अपनी सेप डालते हुए चले जाएंगे इस टाइप से साइड में। सेम 2-2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए इस टाइप से नीचे तक ले जाएंगे। ये देखिए गाइस, इस टाइप से 2-2 इंच तक हमने अपना बढ़ा लेना है। अब हमने अपनी जो है कटिंग कर लेनी है बैक वाले पार्ट की। ये देखिए गाइस, जिस टाइप से कटिंग कर लेनी है, दूसरी साइड से भी जैसे हमारा है उसको सेम ट्रेस कर लेना है। फ्रंट वाले को सेम ट्रेस करके इसी टाइप से साथ साथ में कटिंग कर लेंगे इस टाइप से, पूरी कटिंग कर लेनी है और ऊपर से भी ये हमने अपना जो है टेढ़ा कट कर देना। इस टाइप से कटिंग कर लेनी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।